हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनैना शर्मा। आज हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे आने स्पेशली हम वहीं के लिए आए थे, लेकिन वहाँ जाना हो नहीं पा रहा था, तो वो नाम आपको बाद में पता लगेगा कि मैं कहाँ जा रही। हमारी कार खड़ी है चंडीघाट पे, तो वहाँ तक हमें फिलहाल रिक्शा करके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस, हमें रिक्शा मिल चुकी है, हम रिक्शा में बैठ गए हैं, अब हम जा रहे हैं चंडीघाट। तो गाइस, यहाँ पे हम रिक्शा से उतर गए हैं और यहाँ पे भाई ने इतनी बढ़िया चीज करी है, मुझे लगा था कार करा रहे, बुलेरो कर रहे थे, उनको सरप्राइज देना था, पता नहीं क्या था। उन्होंने हमारे लिए कराई है चीप सफारी, जो होती है वो कराई है। इतना मजा आ रहा है सच में, जो काम इस बार हो रहा है वो सब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। देखो कितना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक अलग एक्सपीरियंस भी लग रहा है यहाँ पे बैठ के। हाँ, बहुत ज्यादा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ घूम रही हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। सही बात है, हालांकि धूप है, बट धूप का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि ना मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। दिखाती हूँ be gangster trying to play hard. Deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ का रूट है, कोई भी नहीं है हमारे अलावा यहाँ पे। वो बात अलग है, यहाँ पे शेर चीता कुछ भी मिल सकता है, बट कोई बात नहीं। तो गाइस, अब हम रुके हैं यहाँ पे पेप्सी लेने, क्योंकि आगे प्योर जंगल है, मतलब टोटल जंगल है, तो वहाँ पे शॉप्स नहीं होंगी, है ना भाभी? शायद नहीं होगी। अच्छा, तो इसलिए यहाँ से हम ले रहे हैं कोक स्नैक्स या वेफर्स वगैरह। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे तो गाइज, आज बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम कहीं जा पाएंगे, तो आज लेकिन हम जा पा रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ भाई। भाई नहीं होते तो आज हम नहीं जा पाते, क्योंकि विंध्यवासिनी का प्लान कब से बने जा रहा था और कैंसिल हो रहा था बिकॉज ऑफ बारिश भी और सम रीजन ऑल्सो। मम्मी तो बताओ, आज तो गाइज हमारे लिए बिल्कुल सरप्राइज कर दिया दीदी ने। अच्छा, हाँ, क्यों दीदी? हाँ, लोकेश ने सरप्राइज दिया है कि मामी आज तुम विंध्यवासिनी जाओगे, उसने कर दिया। तो मतलब सरप्राइज में हमारी मेगा भी शामिल थी, मेगा को पता था मामी हमको सरप्राइज देना, क्योंकि हमें नहीं पता। सही बात है, हमें सरप्राइज होता है, हमें लग रहा था कि भाई बुलेरो हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कैंसिल हो रहा है, ये नहीं पता था कि जाना तो है ही, और जीप में सफारी वाली ओपन, तो मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। Never little wanna be gangster trying to play hard. Deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. तो गाइस, टीला रोड हो गया है यहाँ पे खत्म, अब स्टार्ट हो रहा है विंध्यवासिनी का रास्ता, जो कि प्योर जंगल है, प्रॉपर जंगल है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो वहाँ पे तो फिर भी रिवर थी, यहाँ पे रिवर नहीं है और यहाँ पे कोई भी मिल सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ सामने का। Down, they just think they are. गाइस, विंध्यवासिनी में ना एक चीज है कि यहाँ पे ना विदाउट कार हम नहीं आ सकते, और कार भी छोटी मोटी नहीं चलेगी, टायर बहुत ज्यादा ऊंचे हो वो चलेगी, क्योंकि विंध्यवासिनी के रास्ते में तीन नहर आती है जिसको क्रॉस करके जाना होता है। तो यहाँ पे बाइक्स एंड ई रिक्शा अलाउड नहीं, अलाउड किया जा ही नहीं सकता। इतने दिनों से हम इसीलिए रुके हुए थे, तो बस अब हमें मिल गई है, हम रास्ते में जा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। माता रानी से मिलेंगे, माता रानी को देखेंगे फर्स्ट टाइम की कैसी दिखती है वो। खैर, माता रानी तो होती है बहुत सुंदर है। तो
बट ये सब आपके एंटरटेनमेंट के लिए करती हूँ। प्लीज मुझे सपोर्ट करें, प्लीज एनकरेज मी। जहाँ मैं जा रही हूँ मैं साथ आपको लेके जा रही हूँ। आज भी जहाँ जा रही हूँ विंध्यवासिनी, वहाँ भी आपको साथ लेके जा रही हूँ। जो जो मैं एंजॉय करूंगी वो आप करना, माता रानी के दर्शन कराऊंगी, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। तो चलो मेरे साथ। तो गाइज ऐसा नहीं है कि जंगल में कोई टोल प्लाजा नहीं होता, ये आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा है। यहाँ पे पर्ची कटती है उसके बाद हम अंदर जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे जाते हैं दो रास्ते, ये जाता है किमसार को, यहाँ भी एक माता रानी है, और ये जाता है विंध्यवासिनी को। तो ऊपर जाएंगे तो किमसार, नीचे जाएंगे तो विंध्यवासिनी। तो गाइज यहाँ का रास्ता ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है, और तो जैसे मैंने आपको दिखाया, लेकिन खूबसूरत भी अपनी जगह बहुत है, लेकिन रिस्की भी बहुत ज्यादा है। तो अभी देख के थोड़ा सा लग गया था, पहले तो स्पीड में आ रही थी हमारी जिप्सी, लेकिन अब थोड़ी स्लो हो गई है अकॉर्डिंग टू रास्ता। तो गाइज ये है एक नया प्राणी मेरे व्लॉग में, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दूंगी, क्योंकि महंगे महंगे लोग हैं, ये सस्ते नहीं है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल जगह है, कि हाँ भाई इंडिया में भी बहुत कुछ है। इंडिया ही नहीं, उत्तराखंड में एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, जहाँ पे बहुत हिडन जेम्स हैं, जो कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता था। आज पहली बार हम ये जगह एक्सप्लोर करने आए हैं। गाइज यहाँ पे ना एक चीज़ हो सकती है, मतलब एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि अगर एक कार जा रही है तो दूसरी को रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज ये रास्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो गाइज अभी काफ़ी दूर है, अभी तो हम मिडल में हैं, साइड्स में बहुत ज़्यादा पहाड़ है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है। मम्मी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैं कहना चाह रही हूँ, हमारा हरिद्वार में आज सेकंड लास्ट दिन है, ठीक है। मतलब मम्मी का कहने का मतलब है आज हमारा सेकंड लास्ट डे है, और ये भी हमने बहुत अच्छे से स्पेंड करा कि स्पेंड अभी होगा। गाइस एक नहर है, ये नहर आप देख सकते हैं कितनी डीप है, क्योंकि गाइस कल हमें अपने घर जाना है दिल्ली, क्योंकि अब इसके पापा को हमारी बहुत ज्यादा याद है, कह रहे वापस जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि पापा भी घर पे अकेले हैं, तो हमारे बिना बहुत दिन हो गए हैं। तो आज सेकंड लास्ट डे है, लेकिन कोई नहीं, वेल स्पेंड होगा, और शायद रात को हम हरकी पौड़ी भी जाएंगे, और शायद मनसा देवी भी जाएंगे, वो तो देखते हैं, वो डिपेंड करता है टाइम पे कि हमारे पास कितना टाइम बच रहा है। जहाँ भी जाएंगे आप सबको साथ लेके चलेंगे? बिल्कुल, अभी तक साथ लेके गए हैं तो आगे भी साथ लेके जाएंगे, बस की सपोर्टिंग, बस आपसे सब्सक्राइब सुनैना शर्मा। तो गाइस ये है यहाँ की सेकंड नहर, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डीप है भाई, किसी की तो देखिए आप नंबर प्लेट ही निकल गई है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डीप है। ये नहर देखिए आप कहाँ से कहाँ तक आ रही है, आप देख सकते हैं बादल तो ऐसा लग रहा साक्षात नीचे है पूरे। Another little wannabe gangster trying to play hard. शायद मंदिर वालों ने ये पहचान के लिए झंडा लगाया हुआ है कि ये रास्ता और तीसरी नहर है ये। वो आपको भी लेना अपनी साइड में। नहीं आ पाएंगे ना? फिर एक का ही जाएगा। फोटो भी खेलनी का और ऊपर जाके वो आपको दिख रहा होगा वो है मंदिर। फाइनली वी अराइव्ड। टायर इतने ज्यादा तभी पॉसिबल है कि हम यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है बिकॉज ऑफ माता रानी का करिश्मा, क्योंकि है तो धूप गाइस, क्योंकि ना अभी फिलहाल बारिश इतनी आई ना, इसलिए यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में पानी है, वरना तो केवल तीन ही नदियाँ पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई बार बार आ रही है। देखिए बारिश की वजह से यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, की वजह से प्रॉब्लम भी हो रही है थोड़ी। तो गाइस पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अब मैं दे देती हूँ। ये है ओम। तो गाइस पहले ना एक तो ये लड़का मास्क नहीं उतारेगा, ये सस्पेंस में ही रखता है हर किसी को, हमने भी आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी है, लेकिन आप लोग नहीं देख पाओगे क्योंकि ये नहीं उतारता है। दूसरी चीज़ अभी इसका ना टेम्पर्ड टूट गया है, इसे लगा कि बाल लग रहा है तो ये तोड़ने वाला था पूरी तरीके से, वैसे तो ये टूट ही चुका है, तो अब इसे तोड़ ही दो, इसमें ये फेंक दो। ये सोनू गिफ्ट करेगी मेरे को। हाँ और क्या, मैं कर दूंगी, मैं तो फोन भी कर दूंगी। तो
अब मंदिर आ गया है, हम चल रहे हैं मंदिर में। तो बुआ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है। मैं अपने फैमिली के साथ में घूमने आई हूँ। आप तो सेकंड टाइम आए हो ना? हाँ हाँ, बुआ सेकंड टाइम आए, हम फर्स्ट टाइम आए। लगता है हमें चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो गाइस अब हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में। ऊपर यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट कितनी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन हाँ सीढ़ियाँ हैं काफी और बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेयर्स हैं यहाँ पे। चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं अपने साथ। और यहाँ से स्टार्ट होता है माता रानी का, मैं इसका व्लॉग बनाता हूं। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ का रास्ता जो है ना काफी डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के चलने की लोड है। तो चल रहे हैं, मेरे पास तो क्या शूज है ना, मैं ऐसे ही आराम से चल पा रही हूँ। ये लोग तो बेचारे कोई कोई सैंडल कोई कुछ इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं भी गई हूँ बहुत ज्यादा, इतनी सी नहीं क्या, सही में सांस चढ़ रहे हैं। मैं भी गई थी, यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, वो स्टेयर्स वाला और ये भी स्टेयर्स वाला है, तो दोनों रास्ते मंदिर पे ही जाते हैं। लेकिन रास्ता बार बार मैं वही कहूँगी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम तो चाहेंगे, हम क्या सभी जाते हैं, चलो मेरे साथ। तो गाइस ये रास्ता डेंजरस भी है, आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में कोई ग्रिल्स नहीं है। बंदा गया तो गया, नीचे जाने से पहले सीधा ऊपर ही जाएगा, तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ चले। यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि ये विंध्यवासिनी माता कहाँ पे लोकेटेड और कहाँ पे सिचुएटेड है, लेकिन हमारी भाभी को पता था, वही हमें यहाँ पे लाई है, वो ही हमें एक्सप्लोर करवा रही। तो बस मेरे एफर्ट्स को अपने दिमाग में रख, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट माय ब्लॉग एंड माय एफर्ट्स आल्सो। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आते आते सिर्फ अभी बहुत मिनिमल सा हम चलते हुए आए हैं, और ये सब थक चुके हैं, थक चुके हैं हम दोनों में थोड़ी जान है, क्योंकि हम तो खैर छड़े हैं ना, अभी जवान है हम, वो भी जवान है, बट ये है कि उनके एज के हिसाब से वो थक गए। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। हाँ अभी हिम्मत नहीं हारनी, बस ये माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं ना, माता रानी शक्ति दे रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन रास्ता बताओ आप कुछ रास्ते के बारे में। रास्ता बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट वाला है, अच्छा है, आके मतलब एडवेंचरस बहुत है, बहुत जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है वो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जो लोग जल्दी थक जाते हैं वो यहाँ पे ना। ये बहुत ज्यादा ऊपर जाके, ये देख लो इनकी हालत देख के आपको पता लग रही होगी कि क्या है, यहाँ कोई ड्रामे नहीं कर रहा है, सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर एक पैर हल्का सा भी स्लिप हुआ ना, तो यहाँ सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलते हैं। तो गाइस ये जो प्रसाद आप देख रहे हैं ये नीचे से ही मिलता है, क्योंकि ऊपर तो कोई भी शॉप्स नहीं है। शॉप तो क्या, यहाँ पे जिन लोगों ने थोड़ा खाने पीने का साधन बना रखा है वो भी चेयर्स डाल के बना रखा है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं, क्योंकि ये टोटली जंगल है। देखें आप कि यहाँ पे कितने ओल्ड ओल्ड ट्रीज हैं और यहाँ पे कितना होल है, आप देख सकते हैं इसकी हालत देख के, आप हर चीज प्राकृतिक कितनी ओल्ड है। हमें जाना है वहाँ पे, साइड में आप रास्ते देख सकते हैं। भाई सबके ना मेरे को सांस सुन सुन के ना हंसी आ रही है, घर पे तो बड़ा जोश दिखा रहे थे, चलो चलो अब करे जा रहे सबके सब। इस लड़के का कहना है कि जो इसका हाथ पकड़ेगा वो 10 मिनट में ऊपर पहुंच जाएगा, ये माता रानी के पास तो पता नहीं ऊपर जरूर पहुंच जाए। तो गाइस यहाँ आने के लिए पहले चीला रोड से आना पड़ता है, वो है 5 से 6 किलोमीटर, वो क्रॉस करना पड़ता है। फिर उसके बाद जंगल है जो कि विंध्यवासिनी तक हमें लाता है, वो भी लगभग 3-4 किलोमीटर तो है ही, थक गए बहुत ज्यादा। गाइस एक तरीके से ट्रैकिंग ही हो गई, ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड ट्रैक, ये ट्रैक ही है पूरा। तो यहाँ पे शूज पहन के आए तो ज्यादा अच्छा, स्लीपर सैंडल्स मत पहन के, क्योंकि मेरी मम्मी लोग पहन के आ रहे हैं, मुझे उनकी हालत दिख रही है और आप लोगों को मेरी हालत दिख रही होगी। आप देखें कि ये लोग अभी कहाँ है नीचे, और हम आए हैं वहां से। गाइस मैं भी अभी यहाँ पे बैठ गई हूँ, बिकॉज वो लोग तो नीचे ही है, सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जो बात है थक मैं बहुत ज्यादा गई। हाफ नहीं हूँ, वो आपको बोर्ड दिख रहा होगा ऊपर, वो बोर्ड लगा रखा है माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर का, ये एक सिद्ध पीठ है। मम्मी भी अब आ चुकी है, मिले आप मेरी मम्मी से, उनकी हालत देखी, सच में बहुत ज्यादा थक गए हैं। मम्मी तो फिर भी अच्छा खासा दिखा रही हैं, वो लोग नीचे हैं, मम्मी ऊपर आ गई हैं मेरे साथ, तो मेरी मम्मी है, कम थोड़ी है किसी से, है ना भाई। पसीने भी आ रहे हैं, वो आपको मैं छोटी सी कार दिखाती हूँ, उसको देख के भी आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी ज्यादा ऊपर है। देखिए वो रही कार, हम भी वहीं से आए हैं, बाकी के लोग हमारे बैठे हैं वो नीचे। तो गाइज मम्मी और मैं तो चल ही रहे हैं साथ साथ, हाथ पकड़ लेते हैं मम्मी का,
बस सामने माता रानी का ब्यूटीफुल सा मंदिर आ चुका है, जिसे देखकर हमें जान आ गई है और थकान दूर हो गई है, जैसे कि मेरी मम्मी ने कहा। ये रहा मंदिर। सच में किसी कश्मीर से कम नहीं है ये जगह। वादियां ही वादियां, हरियाली हरियाली, प्राकृतिक चीजें हैं चारों। तो चलते हैं हम सामने। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी जा रही है यहाँ पे हाथ धोने के लिए, क्योंकि मंदिर में जा रहे हैं तो बोरे सही से हाथ पैर धो के जाना चाहिए। तो जी मम्मी ने भी हाथ धो लिए हैं, तब चलते हैं हम आगे। हवा चल रही है बहुत तेज, झंडे लगे हुए हैं, रास्ता बहुत खूबसूरत है। बस मेरे ब्लॉग में बने रहे, आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं, सच में चलते हैं हम आगे। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं, ये है विंध्यवासिनी माँ। Never little wanna be gangster trying to play hard. Damn down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. पिंडी वाली जो है वो है रियल माता रानी विंध्यवासिनी देवी, और वो है सरस्वती माता। तो गाइस मैं ना पंडित जी से कुछ सवाल पूछने वाली हूँ कि भाई यहाँ का रहस्य, ये कैसे यहाँ प्रसिद्ध है मंदिर, और ये मतलब कैसे बना। तो थोड़े बहुत सवाल है जो कि मैं आपको भी बताऊंगी पंडित जी से पूछ के क्या उनको भी मैं वीडियो में ले रही हूँ, तो वो बताएंगे। तो आप चले मेरे साथ। चल देवी और विंध्यवासिनी माता एक ही है, यशोदा माँ के गर्भ से उत्पन्न हुई थी कन्या, और जो जिन्हें बदल के लेके कंस के पास पहुँचे, तो कंस के हाथ से छिटकने के बाद यहीं पे आके अपना आठ पूजी रुदा।